फ्रेंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? तो भाई बज रहे हैं सुबह के 8:30। क्या बताऊँ, ऐसा हादसा हो गया। मैं गया था ट्रिमर से दाढ़ी सेट करने के लिए, और मैं मतलब ना मैं मेरी आँख लगभग एक तो पहली बात तो रात को नींद नहीं आ रही थी एक्साइटमेंट, और सुबह जब मैं मेरी आँख खुली 6 बजे, तो नहीं लगभग 5:30 बजे, तो मैं बहुत कोशिश किया सोने की, लेकिन फिर मुझे नींद आई। मतलब मैं सिर्फ 2-2.5 घंटे ही सोया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2:30 बजे नींद आई, क्योंकि 2:30 बजे हाँ मेरा फ़ोन गिर रहा था, तभी मतलब मैं फ़ोन देखते देखते फिर फ़ोन गिर गया ऐसे। और अब भी को समझ लो कि सुबह मतलब वही 5:30 बजे उठ गया, तो मतलब 2 घंटे का सिर्फ नींद हुआ। फिर उसके बाद ना यार मैं तो भी यहाँ वहाँ ऐसे ऐसे कर रहा था, कुछ फ़ोन देख रहा था कुछ ऐसे, 7:30 बज गए तब उठा मैं, गया और फ्रेश होने के लिए। फिर मैंने बोला कि ट्रिमर से पहले ना बियर्ड को थोड़ा सेट कर लेता हूँ, बाद में रेजर से सेट करूँगा। बियर्ड से सेट कर ही रहा था, लाइट ही चली गई सुबह सुबह, फिर वो तो बालकनी में आके मैंने सेट कर लिया, लेकिन यार सुबह सुबह लाइट काट दिया, कुछ बताया भी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। सुबह सुबह ऐसे लाइट कटता नहीं है हमारे यहाँ पे, कटता भी है तो 5-10 मिनट में आ जाता है, और आज तो कुछ बिना इन्फॉर्मेशन के ये सब हुआ है। खैर कोई बात नहीं, आएगा आएगा नहीं आएगा वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उठते ही चार्जिंग लगा दिया था, तो 99% फिलहाल है, मतलब 2-4% कम हुआ रहेगा, क्योंकि मैं बच्ची से बात कर रहा था। तो अपना जो दूध है यार वो भी बॉयल्ड हो चुका है, तो एक काम करता हूँ, ये किचन में बैठ के ही पी लेता हूँ, क्योंकि अंधेरा काया मैं हर जगह और हवा भी नहीं चल रहा, यहीं बालकनी में बैठ के अच्छा ही पीऊँगा, अलग ही मजा है। यहीं बैठूँगा क्योंकि अभी अभी मैंने इसको धोया है, यहीं बैठ के अपना काम तमाम। चलो यार चाय भी पी के फिर मिलता हूँ आपसे मैं। तो यार अपना नहा धो के हो गया, और अभी बज रहे लगभग 11:20, तो मैं ना अभी फटाफट भगवान का लोटा जो है उसको धो देता हूँ, और फिर ना अपना एक वीडियो है उसको एडिट कर देता हूँ, एडिट करके अपलोडिंग पे भी डाल देता हूँ। तो क्या होएगा ना कि मुझे शाम को उनके यहाँ जाके, मतलब अपलोडिंग पे तो वहाँ पे भी रख सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडिटिंग यहीं पे बैठ के कर लूँगा, क्योंकि फिर दिक्कत होगा, और तब निकलूँगा आराम से। तभी बगल वाली आंटी आई थी, पूछ रहे थे कितने बजे आएंगे बच्ची और इन लोग, तो मैंने बताया कि टाइम लगभग वही हो जाएगा, क्योंकि वो लोटा में जल चढ़ा के गिराना पड़ता है ना मैच के, तो वो सब काम करना पड़ेगा। तो चलो भगवान का पहले लोटा वोटा सब जल उल चढ़ा दूँ पेड़ को। तो यार मैं तैयार हो गया निकलने के लिए, और अभी बोले 12:10, तो मैं अभी थोड़ा टाइम में निकलूँगा, अभी मैं कॉल कर लेता हूँ वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं। जाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि और ना यार मुझे अभी ऑफिस से कॉल आ गया था, अभी जस्ट कॉल आया मुझे, अगर एक चीज़ पहले पता होता तो मैं कब का तक निकल गया होता। जो मेरी प्रेगनेंसी थी मैंने उसे उस दिन मंडे को मैंने लिया हुआ था ऑफिस से, मुझे उसको ओरिजिनल कॉपी ही सबमिट करवाना पड़ेगा पैरामाउंट के ऑफिस में, तो अगर मुझे ये चीज़ पहले पता होती तो आज मैं सुबह जल्दी जल्दी जाके उसे सबमिट करवा चुका होता, बट ठीक है ऐसा हुआ नहीं। तो अभी कल या फिर मंडे को मैं जाऊँगा, क्योंकि वो ना अपोजिट डायरेक्शन में पड़ता है, बस दिक्कत ये है अभी, अगर मुझे पहले पता होता ना मैं सुबह जल्दी निकला होता और जाके दे के और मैं आ भी गया होता, बट ठीक है अभी देखता हूँ क्या कर सकते हैं। तो चलो जैसा रहेगा फिर मैं बताता हूँ आपको रहेगा, अभी मैं निकलूंगा थोड़े टाइम में, क्योंकि अब मैं वहाँ जाने के लिए निकल रहा हूँ, तो फिर भागा दौड़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एकदम अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इन लोग बीच में ही मतलब चाचा का घर बीच में पड़ता है, और फिर मुझे पूरा लास्ट जाना पड़ेगा। तो या फिर मंडे को ऑफिस जाते टाइम, या फिर कल मम्मी को लेने के लिए जब जाऊँगा स्टेशन, तो उस टाइम पर देखूँगा या बाइक लेके जाऊँगा, या फिर मैं रिक्शे से ही जाके उनका सबमिट करवा के चला आऊँगा। बज रहे 12:25, अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, पहुँचने में समय लगेगा क्योंकि मुझे 2-3 जगह से रिक्शे चेंज करते करते जाने पड़ेंगे, बट ठीक है। बाइक लेके जाता ना तो दिक्कत क्या हो जाती पता है, कि वापस आते टाइम फिर बिशु को एक रिक्शे में अलग से रखना पड़ता और मुझे बाइक से आना पड़ता, बाइक कैसे आओ वापस आती, इसके लिए मैं रिक्शे से जा रहा हूँ, और नहीं तो बाइक से जाता तो मुझे बहुत आसान होता, क्योंकि ना रिक्शा मुझे पूना पाटिया जा के फिर वापस मतलब ऐसे घूम के आना पड़ता है, और बाइक से सीधा जाना पड़ता है, मैं एक शॉर्टकट रास्ते से जाता हूँ। ठीक है चलो निकलते हैं। मैं इसको सुबह फोन करके बोला भी पंचर है, अपनी थे ना जब साथ में, माना नहीं, नम नहीं माना तो क्या करेगा, जो होना था हो गया, फिर अर्जेंट टाइम पे कहाँ है। यार मैं ना निकला ही था, अभी भी मतलब 1:45 हो गया, अभी भी यही हूँ, तो किशन मिल गया, किशन जा रहा है वहाँ पे, तो इसके साथ जाऊँगा, लेकिन इसकी बाइक जो है ना पंचर हो गई, ये देखो तो अब इसकी पंचर बन जाएगी, तो ये बोला कि मैं छोड़ दूंगा वहाँ तक, पूना पंचर फिलहाल रिक्शे से नहीं जाना पड़ेगा। मैं निकला था मतलब, मैं देखो यहाँ पे अपने बिल्डिंग के सामने ही खड़ा हूँ, वहाँ पे आया तब तक किचन मेरे को दिख गया, तो अभी निकलूँगा इसके साथ पूना पांड्या तक, तो एटलीस्ट छोड़ देगा सारोली तक, तो छोड़ ही देगा सारोली पूना पांड्या तक, फिर वहाँ से आगे निकल जाऊँगा मैं।
तो जितना टायर में कट है बन रहिएगा तब ये जो है कल्याण होगा, तो वो जो है मारते रहेगा जखनी एक पूरा झटका। एक तो बहुत धीरे गाड़ी चलाता है भाई। अब हम लोग निकल रहे हैं 1:15 बजे। अरे बैग वग आगे लेके टिफिन उफिन लेके जा रहा है और फिर 2 घंटे में रिटर्न भी हो गए। बड़ा काम करता है बेचारा पंचर, और यहाँ पे जड़ी बूटी ले रहे हैं। यहाँ काम करने आती है और ये आराम करने आते है। ये देखो ये छोटे लाल मेरे को लेने के लिए आया है नीचे से, है ना, लेने आया ना मुझे। हाँ ये मुझे नीचे लेने आया, किशन छोड़ के गया मेरे को और अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ। अरे भाई उठी उठी करेगा कि नहीं, अगर बातें करूँ तब से पापा यहाँ पे था। 4:10 हो रहे और जब से आया तब से देखो नींद मारे जा रहा, उठा नहीं है, एक बार से उठा है। चलो लाल भाई, इसका ना जाने का मन नहीं कर रहा है। भूत इसके पीछे भूत है भाई, और ये ना बहुत मस्ती कर रहा है। जाओ भगा उसको, क्या बोलोगे भूत को, ऐसे मेरी तरफ नहीं उधर। तो ये तो भूत भूत नहीं नहीं रुक जाओ भूत, ये मेरे को मार रहा है। अब अभी रुक जाओ, अब आएगा। आ जा। चालू है, इधर है, अभी अब भूत निकलेगा इसमें से। निकल जा भूत। मडुवन का भोग लागे सा। गाइस यहाँ पर रौनक ने एक बहुत ही बड़ी शर्मनाक हरकत की है। क्या किया बता, इसने चड्डी में सुसु कर दिया। शिट कितना झूठ झूठ बोलता है, पानी से गिला है। देखो अभी दिखाएगा नहीं है, जूम करके दिखाना पड़ेगा बस थोड़ा सा। ये देखो बाप रे बाप, पूरी बेइज्जती हो गई इसकी। आपकी बेइज्जती हो गई। मेरी क्यों होगी, सुसु तूने किया, बेइज्जती मेरी क्यों होगी। देखो देख लो उधर से मेरे को सब। यहाँ पे देखो नेहा आ गई, यहाँ चाचा जान आ गए, ये बुआ जान आ गई, ये चाचा जान आ गए। कहो चाचा जान से मिला। जान यहाँ पे नींद मार रहा है, नींद मार रहा है, नींद मार रहा है। नारायण एक जने चाचा जान है, एक जने बुआ जान है। अरे भाई साहब यहाँ पे इतना बड़ा का लगा लिया यार। हेलो।
तो भाई नेहा और चाची जो है वो सब घर पे जा रहे हैं, आई थी ये सब भी पूजा में वैभव लक्ष्मी के। अब चाचा जाएंगे इन सबको छोड़ के आएंगे, फिर हम लोग को लेके जाएंगे। क्या है और पैसा कहाँ से लाया? पैसा किसका है? मेला है, चोरी करके लाया बोलते हैं। मेला जितना बड़ा नारायण है उतना ही बड़ा है गुल्लक। नानी को चढ़ के जा रहा है। आ जाओ आ जाओ, चलो चलो जल्दी। हाँ चलो जल्दी जल्दी चप्पल पहन लो। बस अब रोएगा नहीं हो। रोवा जिन रोवा जिन फिर आई नानी जी रोवा थी। यार 8 बज गए और चाचा आ गए अभी हम लोग को लेके जाने के लिए, तो चलो फटाफट बैठते हैं। अपना घर देख के ऐसा ऐसा कर रहे हैं। भगवान जी के देखो भाई है। हाँ फाइनली अपने घर में आ गया। तो यार ना चाचा मुझे छोड़ के चले गए यहाँ पे घर पे, और आज मैं कथा सुनने नहीं आ पाया लेकिन फिर भी नीचे आ गया। चाहे गुजरात रहे चाहे महाराष्ट्र रहे, आदमी तीन ही प्रकार के हैं। किसी के अंदर सत्व गुण भेजा है, इधर ध्यान रखो थोड़ा। किसी के अंदर सत्व गुण दिया है, किसी के अंदर रज गुण दिया है, किसी के अंदर तम गुण दिया है। रज सत्व और तम गुण इस तीन प्रकार के आदमी सब जगत में फैले हैं। तो यार मुझे ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि बच्ची अकेले वो नहीं संभाल पाएगी और वो ये जा रहा है अभी थोड़ा, उसका जगह चेंज हुआ है ना, तो अभी आज वो परेशान करके, आज भर की बात है, आज मैं कथा में नहीं आ पाया, भगवान माफ करे मुझे। लेकिन कल से मम्मी वगैरह सब कुछ आ जाएंगे ना, मम्मी मौसी सब लोग आ जाएंगे, तो कल से मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फ्री हो जाऊंगा। तो चलो फटाफट घर पे जाता हूँ और उसको थोड़ा पकड़ लेता हूँ मैं, तो बिसु अपना थोड़ा तक फ्रेश हो जाए। भाई जब से आया है ना इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, दोनों पकड़ पकड़ के परेशान है। लेकिन ना मुझे लग रहा है जगह चेंज हुई है ना, इसके वजह से सिर्फ देख देख के रो रहा है। भूख लगी है तो दूध पी रहा है और फिर उसके बाद रोना चालू कर दे रहा है। अभी इसकी नानी का कॉल आया था, उन लोग मैंने वहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वो सब बहुत ज़्यादा रोने लगे थे। अभी उसकी नानी फ़ोन की तो बात करते करते फिर से रोने लगी क्योंकि घर खाली खाली हो जाता है ना, हैबिट पड़ जाती है। अब इतने दिनों बच्ची की मालिश वगैरह सब चीज़ वही करती थी और अभी छोड़ के चला आया तो जानते हो कितना भी नाती है, तो यही दिक्कत है। ऐसे ही सेम जब हम छोड़ने जा रहे थे तो हम लोग सब लोग इमोशनल हो गए थे। मम्मी स्टेशन पे पहुंची तो एकदम ज़्यादा इमोशनल थी, तो कुछ बोल ही रही हो। मम्मी का बिल्कुल भी मन नहीं था ऐसे जाने का। मम्मी इतना मतलब तो बोल रही थी ना कि बोली मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अभी सब लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन वहाँ से निकल भी गई है, मैहर सतना पहुँची हुई है ट्रेन, तो अभी कल दोपहर तक आ जाएंगे। तो अभी हम लोग ट्राई करते हैं इसको सुलाने की यार, और मुझे नहीं लग रहा है कि ये सोएगा। तो चलो ठीक है यार, अभी खाना भी हम लोग नहीं खा सकते क्योंकि हम लोग ना एक जन इसको देखेंगे, एक जन खाना खाएंगे तब जाके हो पाएगा, तो देखते क्या होता है कैसे होता है, फिर मिलते हैं। तो भाई ये अब भी देखो इतना रोते रोते चुन्नू लाल अब जाके सोया है और हम लोग कब से खाना निकाल के रखे हैं। हाँ और अब भी देखो ये हम लोग अभी खाने के लिए बैठे, जब ये सोया तो हम लोग वो भी टीवी नहीं चालू कर रहे, हम लोग इतने शांति शांति से कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सोने को मिल जाए, नहीं तो फिर उठ के वो चिल्लाएगा। वो ना वो सिर्फ ऐसा ऐसा देख देख के रो रहा है, मतलब उसको ना
अलग लग रहा है इसके लिए। तो चलो यार फटाफट खाना खाते। तो भाई बच्ची को अभी अभी मालिश करके गई बगल वाली आंटी, इतना रो रहा है इतना रो रहा है। हम लोग की आज रात ना ऐसे ही बीतने वाली है, क्योंकि 2 मिनट के लिए शांत होता है और फिर रोने लगता है। तो अभी इसको ना थोड़े टाइम में मैं बांध बीन के अभी सुला दूंगा। तो अब भी देखो कितना बज रहा है, 12 बज रहा है, वो अभी दूध पी रहा है तो थोड़ा शांत है। तो चलो यार मिलते हैं कल मॉर्निंग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।